दोस्तों मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय हैं समाचार एक्सप्रेस के साथ जुड़े हुए। मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि लॉकडाउन की अवधि है, पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। अक्सर लोगों के जहन में यह सवाल आता है कि पुलिस उन्हें आने जाने से रोक रही है, पुलिस सख्ती से बर्ताव कर रही है, पुलिस सख्त है, पुलिस उनका चालान काट रही है, पुलिस उनके वाहन इंपाउंड कर रही है। लेकिन बावजूद इसके पुलिस का एक दूसरा चेहरा भी है। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पुलिस ऊपर से जितनी नरम ऊपर से जितनी सख्त है, अंदर से जितनी नरम भी है, क्योंकि वो भी एक इंसान है। वो सड़कों पर इसलिए उतरे हैं ताकि वो हमारी सुरक्षा के लिए सड़कों पर खड़े हैं, हमें संक्रमण ना हो इसलिए वो सड़कों पर हैं, हमें घर के अंदर रहने की अपील करते जा रहे हैं। करनाल प्रशासन, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि करनाल प्रशासन लगातार ये एडवाइजरी कर रहा है कि लॉकडाउन के दौरान आपको सिर्फ घरों में रहना है। आपको कोई दुख तकलीफ है, आपका कोई सुख का काम है, कोई दुख का काम है, तो करनाल प्रशासन आपके साथ खड़ा है। करनाल पुलिस का एक ऐसा संदेश और एक ऐसा काम जो कि काबिले तारीफ है, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। वाकया यह है कि करनाल के सेक्टर 6 में रहने वाले एक व्यक्ति के 2 जुड़वा बच्चों का जन्मदिन का अवसर है, लेकिन लॉकडाउन के चलते उसके पिता को यह चिंता सताई जा रही थी कि उनकी अब 2 जुड़वा बच्चे 3 साल के हो चुके हैं, तो उन बच्चों का जन्मदिन मनाए तो मनाए कैसे, क्योंकि बाहर सारी की सारी दुकानें बंद हैं। ऐसे में उन्होंने करनाल के सेक्टर 6 के चौकी इंचार्ज सुलिंदर सिंह से संपर्क साधा। एक समय तो सुलिंदर सिंह भी सोच में आ गए कि आखिर वो उनकी मदद कैसे करें, लेकिन उन्होंने परिवार को यह आश्वासन दे दिया कि आप बेचिंत रहें, लेकिन रहें घरों में, आपके बच्चे का जन्मदिन मनवाएंगे, आपकी खुशी के साथ हम भी बराबर के भागीदार बनेंगे, आपकी खुशियों को हम भी बांटेंगे, आप बेचिंत रहें, आपके समय आप जो कहेंगे जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। और अपने इसी काम को अंजाम देते हुए सुलिंदर सिंह ने सबसे पहले एक केक का इंतज़ाम किया और वो अपने कुछ साथियों के साथ उस घर में पहुंचे। घर का दरवाज़ा खोलते ही जैसे बच्चों के पिता ने पुलिस को सामने देखा, पुलिस के हाथों में केक देखा, तो उनकी आंखें नम हो गई। इस मौके पर पुलिस ने क्या कहा, पुलिस बच्चों के पेरेंट्स ने क्या कहा, ये भी आपको सुनवाएंगे। वहाँ एक और बात थी कि जब पुलिस वाले गली में पहुंचे तो सब ने केक को बच्चों को पेरेंट्स को जब थमाया तो साथ में हैप्पी बर्थडे टू यू के साथ साथ तालियां भी बजाई, जिसको सुनते ही बाहर जो लोग घरों में लॉकडाउन थे वो भी अंदर से झांक रहे थे, कुछ लोग बालकनी में आ रहे थे और पुलिस की तारीफ करते नजर आ रहे थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस जितनी आपको सख्त लग रही है वो वाकई में सख्त नहीं है। अगर वो सख्त है तो हमारे लिए सख्त बनी है, क्योंकि वो चाहती है कि हम सुरक्षित रहें, हम सेफ रहें, हमारे लिए कोई संक्रमण ना पैदा हो। इसी मौके पर सुलिंदर सिंह ने यह भी कहा कि वो अपने घरों में रहें, संक्रमण से बचते रहें। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि उन्हें नहीं पता कि वो घर में किस समय जाते हैं, उनकी ड्यूटी का कोई टाइम नहीं है, उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो है जनता की सेवा, जनता लॉकडाउन का पालन करे, जनता स्वस्थ रहे, जनता सुरक्षित रहे। तो मैं आज समाचार एक्सप्रेस की तरफ से एक बार फिर से आपको यह अपील करना चाहूँगा कि करनाल पुलिस जितनी आपको सख्त नज़र आ रही है वो अगर सख्ती बरत रही है तो आपके फायदे के लिए बरत रही है, लेकिन जिस तरह से कल बच्चों का जन्मदिन मनाकर बच्चों के पेरेंट्स को एक ऐसी सुख मिला, ऐसी शांति मिली कि वो बयान कर रहे हैं कैमरे के सामने, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन एक बार फिर से मैं समाचार एक्सप्रेस की टीम की तरफ से करनाल प्रशासन, करनाल पुलिस और ख़ास तौर पर सेक्टर 6 के चौकी इंचार्ज सुलिंदर सिंह और उनकी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा। तरुण मदान समाचार एक्सप्रेस की तरफ से धन्यवाद। Thank you.
हैप्पी बर्थडे टू यू, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू नवदेश, हैप्पी बर्थडे टू यू प्रदीप, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। बिल्कुल नहीं सोचा था। दोनों ट्विन्स भतीजे हैं, मैं इनकी बुआ हूँ और ये मेरे दोनों भतीजों का तीसरा बर्थडे है। तो हमें यही उम्मीद थी कि शायद हम इस बार नहीं मना पाएंगे, तो पुलिस डिपार्टमेंट के सुरेंद्र जी हैं, मैं उनका बहुत बड़ा आभारी व्यक्त करती हूँ। उनकी वजह से आज इन दोनों बच्चों का, मेरे भतीजों का बर्थडे सेलिब्रेट हम लोग कर पा रहे हैं और ये लम्हा हम पूरी लाइफ में नहीं भूल पाएंगे। तो पुलिस का किस तरह से शुक्रिया अदा करते हैं? पुलिस जी एक्चुअली इनका हम बहुत बड़ा आभारी व्यक्त करते हैं, क्योंकि इनसे रिक्वेस्ट करी, इन्होंने हमारे लिए केक अरेंज किया हम दोनों बच्चों के लिए, तो मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। करता है बच्चे भी याद करेंगे कि सुरेंद्र जी की वजह से और डिपार्टमेंट की वजह से ये सेलिब्रेट हो रहा है जन्मदिन, तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ इस पूरी टीम का, तो जिन्होंने ये यादगार दिन बनाया। आपने क्या कहा था, कैसे मुहैया करवाया पुलिस ने, थोड़ा विस्तार से बताइए। आज मालूम तो था कि 28 अप्रैल लॉकडाउन के चलते बर्थडे जो आ रहा है बेटों का, तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं बर्थडे मना पाऊंगा, बट फिर भी मेरे अंदर सुबह एक वो कहते हैं कि तमन्ना उठी कि क्यों ना किसी से एक रिक्वेस्ट की जाए। तो मैंने सुरेंद्र जी से बात की, तो सुरेंद्र जी कहते मैं देखता हूँ, अगर बेस्ट जो हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा शाम को। तो हम वेट कर रहे थे कि फ़ोन आएगा, तो वो फ़ोन आ ही गया कि आप भाई साहब पहुंच जाओ। आपके दो बेटे हैं? हाँ, ये छोटा बेटा है। भैया इससे बड़ी आदिन हमारे लिए नहीं हो सकता। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास है ना, जैसे जिन लोगों को क्वारंटाइन कर रखा है हमारे एरिया में, उनके भी कॉल जाती रहती हैं कि हमारे को मेडिसिन की जरूरत है, किराने की जरूरत है, या जो लोग बुजुर्ग हैं अपने घरों में जिनके बच्चे बाहर नौकरी करते हैं पढ़ते हैं, उनके बच्चों के बाहर से दूसरे स्टेट से या फोन से भी कॉल आती हैं हमारे पास कि हमारे पेरेंट्स को किराने की किसी भी सामान की ज़रूरत है या मेडिसिन की ज़रूरत है। हम वो भी अवेलेबल कराते हैं, खुद लेके भी देते हैं और सोक्स वाले को बोल देते हैं, वो भी उनके घर पे पहुंचाते हैं। ऐसे उसी कड़ी में आज हमारे पास भाई साहब का टेलीफोन आया था कि मेरे पास ट्विंस बेबी हैं और इनका आज बर्थडे है, बट हमारे को केक अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो मेरे को भी लगा नहीं हो पाएगा क्योंकि बेकरी वगैरह की सारी दुकानें बंद थी, बट मैंने अपनी बिटिया से बात की, वो पहले एक दो बार उन्होंने केक बनाया हुआ था, मैंने बिटिया को पूछा, उन्होंने बोला कि मैं बना दूंगी पापा घर पे, तो मेरी बेटी ने तैयार कर दिया और मैं इनके लिए ले गया। क्या नाम अपना? मेरा सुलिंदर सिंह है। कुछ कहना चाहेंगे और लोगों और को? हाँ भैया, हम मैं बिल्कुल आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि लोग हैं ना अपने घरों में रहें और लॉकडाउन का पूरा पालन करें। मैं बर्थडे के ऊपर बता रहा हूँ, मेरी खुद की फैमिली में बर्थडे था, लेकिन लॉकडाउन के चक्कर में हम खुद अपने बेबी का बर्थडे नहीं मना पाए, लेकिन लोगों को देखते हुए हम जो हमारी जिम्मेवारी हम निभा रहे हैं। तो सर आज एक बच्चे का बर्थडे था, तो इसके अलावा अगर और किसी को कोई जरूरत हो तो आप इस तरह से काम करेंगे? घंटे 24 घंटे किसी को जरूरत होती है तो हम पड़ोस में भी अपना मोबाइल नंबर देके जाते हैं भैया, और उसमें हमारे पास कॉल्स भी आती हैं। मैं अब भी आपके माध्यम से अपना नंबर देना चाहूँगा, 9720731। अगर किसी को किसी भी टाइम किसी चीज़ की जरूरत हो तो इस पर कॉल कर सकते हैं, और हमारे किसी भी मुलाजिम के पास कोई भी कॉल आएगी तो सारा अपना हर चीज़ अवेलेबल करवाते हैं। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।